प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी फैली हुई है और ऐसे में आप सभी की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसीलिए मैं आपके लिए क्लासरूम जैसी पढ़ाई के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ, ख़ास तौर पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। विकारी और अविकारी जो हमारा पहला ही पाठ है, सबसे पहले हम विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे कि विकारी और अविकारी शब्द होते क्या हैं। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन और अविकारी का अर्थ होता है जिनमें कोई परिवर्तन न हो। अर्थात हम व्याकरण की दृष्टि से कह सकते हैं कि जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इन्हें व्ययी शब्द भी कहते हैं क्योंकि लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं। पहला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे संज्ञा लड़का है, इसका परिवर्तित रूप लड़के या इसका लिंग बदलेंगे तो लड़की हो जाएगा। अगर इसका लड़की का अगर हम वचन बदलेंगे तो लड़कियां हो जाएगा। उसी प्रकार से सर्वनाम भी है, वह, वे हो जाएगा, मैं का हम हो जाएगा बहुवचन में। विशेषण भी है, जैसे पीला है, पीले हो जाएगा। क्रिया है, पढ़ता है, यह वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा था। अविकारी जो शब्द होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है और वे सदा एक से रहते हैं। ऐसे शब्दों को हम अविकारी या अव्यय शब्द भी कहते हैं। ये भी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे जरा है, प्रतिदिन है, धीरे है, यहाँ, आज, कल, जल्दी, जल्दी, तेज, बस इत्यादि। आइए अब हम जानते हैं जो 10वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनमें पीछे जो प्रश्न विकारी और अविकारी शब्दों पर पूछे गए हैं उन्हीं को हम करते हैं। जैसा कि इसमें प्रश्न नंबर 3 है, जैसे विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आप सभी को मैंने बता दिया है कि वे पद जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं अथवा जिनमें विकार हो जाता है उन्हें विकारी पद या शब्द भी कह देते हैं। इसी पर दूसरा प्रश्न है कि विकारी शब्द कौन-कौन से होते हैं। इस प्रश्न को भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और बहुतों बार ये प्रश्न आया हुआ भी है परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अगला प्रश्न इसमें हमारा बनता है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं।
तो वो भी मैंने आपको पहले बता दिया कि अविकारी का अर्थ होता है जिनमें जिन शब्दों में कोई परिवर्तन न हो। वे पद जिनमें लिंग वचन पुरुष काल अथवा कारक के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन पदों को अव्यय भी कहा जाता है, जैसे आज, कल, परसों, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं आदि। इसी पर अविकारी शब्द पर एक प्रश्न और भी आ जाता है कभी कभी परीक्षा में, बहुतों बार परीक्षा में भी आया हुआ है, जैसे अविकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। तो अविकारी पद 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक एवं निपात। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सामान्य से प्रश्न होते हैं, जैसे शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। तो शब्द की एक विशेषता होती है, क्योंकि शब्द जो है वो स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है और पद वाक्य के नियमों में बंधकर कार्य करता है, अर्थात व्याकरणिक योग्यता के अनुसार जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब वह शब्द शब्द न रहकर पद बन जाता है, और जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है अर्थात व्याकरण इकाई में न बंधकर प्रयुक्त होता है तो उस समय वह शब्द होता है। जब आपसे कोई परिभाषा पूछी जाए, या बहुत बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस प्रश्न को बड़े ही आसान शब्दों में पूछा है, जैसे पद किसे कहते हैं, बहुत बार एक परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त कर लेता है, अर्थात किसी शब्द का व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग किया जाता है, तब वह शब्द पद कहलाता है। जैसे राम शब्द है, लेकिन यही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ राम पद है। बहुतों बार शब्द और पद में अंतर पूछा जाता है, तो शब्द और पद में अंतर भी यही होता है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं जबकि पद व्याकरण इकाई के रूप में बंध कर कार्य करते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा, राजा, हाथी आदि। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। देखिए प्यारे बच्चों, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, लेकिन इससे छोटी इकाई वर्ण होती है, जो स्वर और व्यंजन होते हैं वे वर्ण होते हैं, लेकिन वे सार्थक नहीं होते हैं। तो इसलिए वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। और जब कोई वर्णों की सार्थक समूह, अर्थात दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक सार्थक समूह बनाते हैं, तो उसे शब्द कहा जाता है। शब्द और पद में अंतर, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन जैसे अंतर हम बताएंगे परीक्षा में, तो उसमें हम एक लिखेंगे कि शब्द स्वतंत्र होते हैं एक तरफ, जिस तरफ शब्द हम लिखेंगे, दूसरी तरफ हम पद लिखेंगे, तो पद के नीचे हम लिखेंगे कि पद व्याकरणिक नियमों के अनुसार होते हैं, अर्थात व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं, जबकि शब्द स्वतंत्र होते हैं।
शब्द के चार प्रकार होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जबकि पद में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमय बोधक एवं निपात आते हैं। बहुतों बार ये भी पूछा जाता है, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द कहा जाता है, यह मैंने पहले भी बता दिया है। इसका उल्ट यानी इसका जो है, जब व्याकरणिक नियमों में शब्द बन जाता है तब वह पद बन जाता है। तो प्रश्न दूसरी तरफ से भी पूछा जा सकता है, जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है शब्द, तब वह क्या कहलाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पद। आज मैंने बहुत छोटा वीडियो आपके लिए बनाया है, आगे आने वाले दिनों में इससे अच्छा वीडियो भी आपको मिलेगा। थैंक यू।